सुना है मैं, आज बात करते हैं शाहरुख खान और सलमान खान की। जैसे ही जीरो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इन दोनों हीरोज के बीच में जंग छिड़ गई और जंग की वजह एक बार फिर से बनी कटरीना कैफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा तो कितना पुराना है, कहीं हम गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2018 की नई जंग की, जहां पे सलमान और शाहरुख कटरीना को लेकर जंग करेंगे। ट्यूबलाइट के दौरान आपके और सलमान का जो सीन था, आई थिंक फिल्म से ज्यादा लोग उस सीन को देखने गए थे, बिकॉज दैट वाज अ ट्रीट टू यू टू सी यू बोथ टुगेदर। और अब आप दोनों फिर अपनी फिल्म में वापस, कैसा रहा ये शूट? बहुत बहुत अच्छा था एक्चुअली। वो किरदार जो था सलमान खान, मैं फिल्म में मेरठ से मुंबई आता हूँ तो उनसे मुलाकात होती है, और आनंद ने ये बहुत शुरू से और हिमांशु ने लिखा हुआ था। और एक दिन रात को हम घर में बैठे थे, हिमांशु, मैं और आनंद, हम पूल खेल रहे थे, तो सलमान भी आ गए सुहाना और आर्यन के लिए। वो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल लेके आया था, ई साइकिल। तो आए तो आनंद ने मुझे बोला, सर मैं पूछ लूँ उनसे। मैं कहाँ पूछ लूँ, उन्होंने पूछा और सलमान ने कहा कि यार 100% डेट मेरी है, और हमने शूट कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक लोगों का बहुत प्यार है, हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अलग अलग किस्म का काम करते हैं, अलग अलग नेचर है, लेकिन एक दोस्ती भी है, तो बड़ी खुशी होती है। जो मैंने काम किया उनकी फिल्म में वो बहुत कम है, वो एक थोड़ा सा काम है, लेकिन जो आनंद की फिल्म में किया उसमें बहुत मेहनत का काम है। सुना है फिल्म जीरो में सलमान खान नजर आएंगे गेस्ट अपीयरेंस के रोल में, जहां पर सलमान और शाहरुख के बीच एक गाना फिल्माया गया है। और आपको बता दें कि इस गाने में शाहरुख और सलमान कटरीना कैफ को अपनी अपनी माशुका बता रहे हैं। टेक्निकली वो बहुत डिफिकल्ट है कि मैं वर्टिकली चैलेंज पर्सन प्ले कर रहा हूँ, बहुत सारे टेक, लेकिन बहुत प्यार से आए और बहुत खुशी से किया, और जल्दी भी हो गया एक्चुअली। हमने सोचा था 3 दिन लगेंगे, लेकिन वो 2 दिन में हो गया। वो एक पोर्शन है उसके अंदर थोड़ा सा, बिकॉज वो मोमेंट में आता है कहीं। अब भाई ये तो रील की कहानी है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि कहानी रील तक ही सीमित रहे। मुंबई से ज्योता मित्रा सुवर्णा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।